शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। विक्रम, किरण, विक्रम ने तुझे नाराज कर दिया था ना, अब देखना तेरी हर बात मानेगा। ये हमारे घर के रिवाज नहीं है उर्वशी। राठौर परिवार की बहू अपने पति की हर बात मानती है, और जो नहीं मानती उसके लिए कोई जगह नहीं है। हमें लगा कि तुम राठौर परिवार के तौर तरीके समझ रही हो, पर हम गलत थे। इस बार तुम्हारे लिए जाना आसान था क्योंकि तुम अकेली थी। ब्याह के बाद तुम्हारे ऊपर राठौर परिवार की जिम्मेदारी और इस घर की इज्जत भी होगी। तब इस घर की चौखट लांग के जाना इतना आसान नहीं होगा। सोच लो, क्या तुम हमारे घर की बहू बनने के लिए तैयार हो? हाँ दादी, मैं इस घर के हर तौर तरीके अपनाने के लिए तैयार हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, जो आज हुआ वो कभी नहीं होगा। बाकी शादी की बात तो ये घर मेरा ही हो जाएगा, फिर मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। जीते रहो, आओ चलो। हवेली सजा लो राठौर परिवार, मोहिनी वापस आ रही है।
विक्रम, आई एम सो सॉरी। आई नो कि मैं नाराज थी और तुम तो ठीक से बात भी नहीं कर रही थी। तुम्हारी तो कोई गलती नहीं थी विक्रम, आई एम रियली सॉरी विक्रम। नहीं किरण, मेरी गलती थी, मैंने तुम्हें अपने और विक्रम, तुमने जो किया अपनी बहन के लिए किया, और मुझे तो नाराज होने की जगह तुमसे खुश होना चाहिए। जो इंसान अपनी बहन के लिए इतना कुछ कर सकता है, वो अपनी होने वाली पत्नी के लिए कुछ भी कर लेगा। और वैसे भी मैं ऐसे ही ओवरएक्ट कर रही थी, उस चंपा और तुम्हारी सच में शादी थोड़ी नहीं हुई है। तुमने तो बस गुस्से में आके उसकी मांग भरी है। और वो इडियट, वो सुंदर को हटा ही नहीं रही। इस सुंदर का कोई मतलब नहीं है, और वैसे भी वहाँ कोई विटनेस नहीं था, और ना ही तुम दोनों ने लीगल पेपर में साइन किए। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार भी तो नहीं करते हो, तो ये शादी कैसे हुई? और मैं भी इतनी पागल हूँ ना, नौकरानी से इनसिक्योर हो रही थी। और जैसे गवाह नौकरानी के लिए तुम मुझे थोड़ी नहीं छोड़ोगे विक्रम। तुमने उसकी मांग में सिंदूर भरा ताकि तुम्हारी बहन की शादी टूटने से बच सके, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम दोनों पति पत्नी हो, है ना विक्रम? तुम भी यही सोचते हो ना? वो चंपा तुम्हारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते ना, वो तुम्हारी कोई नहीं लगती है ना विक्रम? सिर्फ मेरी गलती थी। और कुछ नहीं।